जेल के अंदर महापुरुष नहीं रहते हैं, जेल में वो लोग रहते हैं जिन्होंने गलत काम किया। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं मैं भाजपा जिला कार्यालय में, नीचे संजीव शर्मा जी का भी कार्यालय बन गया है। आज मैं यहां पे मिलने आया हूं, संजीव शर्मा जी बैठे हैं। शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल जी आज राजघाट जाते हैं और कहते हैं कि मनीष सिसोदिया वो शख्स है, वो महापुरुष है जिन्होंने शिक्षा का सुधार कर दिया, जगह जगह शिक्षा सुधार कर दिया उन्होंने दिल्ली में। आज राजघाट पर बैठ कर बहुत कुछ बोल रहे थे, क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि जेल के अंदर महापुरुष नहीं रहते हैं, जेल में वो लोग रहते हैं जिन्होंने गलत काम किया होता है। और आज उनको एक साल हो गया है और कई बार वो कोर्ट में जा चुके हैं, उनको जमानत नहीं मिली है, तो ये प्रूव करता है कि कोर्ट के पास और अन्य एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत हैं कि उन्होंने गड़बड़ियाँ कर रखी हैं और उनको सजा जल्द ही होने वाली है। शर्मा जी, अब लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं दिल्ली में, खासकर जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ आ गए हैं? अब तो टफ माना जा रहा है। कोई टफ नहीं है, चोर चोर मुसेरे भाई, यही केजरीवाल जी शीला दीक्षित की फाइलें लेके घूमते थे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जल बोर्ड में भ्रष्टाचार किया है, बिजली में भ्रष्टाचार किया है, और आज वो फाइल गायब हो गई है और आज फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक हो गई है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली की जनता इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाएगी। देश की जनता, दिल्ली की जनता मोदी के साथ है, विकास के साथ है, देश के साथ है। लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या चर्चाएं करते हैं लोगों के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर? देखो, पूरे देश में माहौल भाजपा के पक्ष में है और सबको पता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी अपने सभी सहयोगियों के साथ। देश में पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। देश की जन जन की यही आवाज़ है, युवा हो, महिला हो, दलित हो, किसान हो, हर तरह का वर्ग जो है भारत सरकार के अंदर पुनः मोदी सरकार को देखना चाहता है, फिर एक बार मोदी सरकार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां पानी को लेकर लगातार हमला कर रहे हैं एलजी साहब पर, कह रहे हैं कि ये बीजेपी पानी का बिल माफ़ नहीं करने दे रही, एलजी साहब इसको रोक लगा रहे हैं अधिकारियों के माध्यम से, क्या कहेंगे? जब पानी का बिल माफ़ करना चाहते तो आप लोग? देखो, दिल्ली की जनता को दिल्ली के मुख्यमंत्री मूर्ख बनाने की बार बार कोशिश करते हैं और ख़ासकर जब चुनाव आता है तो प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं। दिल्ली की जनता समझ चुकी है और उनके बहकावे में नहीं आएगी और वो भाजपा की केंद्र में पुनः सरकार लाएगी। यदि इतने ही हितैषी हैं तो उनको बिल तो कौन भेजता है, सरकार भेजती है ना, सरकार के जल बोर्ड के चेयरमैन, उनको बिल ही नहीं भेजने चाहिए, वैसे ही माफ़ कर देना चाहिए, कौन मना कर रहा है उनको? माहौल क्या है, मोदी सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंची है? देखिए, निश्चित तौर से पहुंची। आप देख रहे हैं कि अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे और वहां पर भी भाजपा की पुनः सरकार बनी है और जिसका कि लाभार्थी जो है बहुत लाभ उठा रहे हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसानों की योजना हो, चाहे युवाओं के लिए योजना, हर वर्ग जो है उसको लाभ मिल रहा है। दिल्ली की सरकार एकमात्र ही सरकार है जो लोगों को लाभ नहीं दे रही है, चाहे वो आवास योजना का लाभ हो, चाहे आयुष्मान योजना का लाभ हो। इस बार जो है दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के 7 कैंडिडेटों को पुनः भारी मतों से जिताकर केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार को बनाने में मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी जगह जगह मन से बोलते हैं कि राम राज के रास्ते पर चल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बिजली, फ्री पानी, स्कूलों में स्विमिंग पूल, राम राज ए है, न कि लोगों को जेल में डालना राम राज है। देखिए, आप अभी यहाँ क्षेत्र में निकल जाएंगे जी। मैं आपके साथ चलता हूँ, 10 लोगों का इंटरव्यू लेंगे, आप पूछना कि भैया आपको बिजली फ्री मिल रही है, तो 10 में से एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं बोलेगा। पानी के लिए बोलेंगे तो 10 में से एक भी आदमी ऐसा नहीं बोलेगा। वो जो है दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता उनकी असलियत को पहचान चुकी है। वो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री हैं, जो एकमात्र जो ऐसे मुख्यमंत्री पूरे देश में, इनके पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, जो जिम्मेदारी लेते ही नहीं है, सब अपने दूसरों के नाम करते रहते हैं। अच्छा हुआ तो ये हमने कराने की कोशिश करी, नहीं तो जो हो नहीं हो रहा तो भी केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, वो स्वयं इसके जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा हिंदू होने का दावा कर रहे अरविंद केजरीवाल, पिछले दिनों राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो वहाँ पर जगह जगह उन्होंने लंगर लगाया, लोगों के बीच में गए, सुंदरकांड का पाठ करवाया, या राम मंदिर के दर्शन करने जाना हो वहाँ भी गए, मगर भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ पे मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे।
भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी इस तरह का हरकत नहीं करता है, मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाता है। और जहाँ तक केजरीवाल की बात है, यदि वो हिंदुत्व की बात करते हैं तो वही अपनी नानी की कहानी सुनाकर इस राम मंदिर का विरोध करते थे, और अब वो जो भी कुछ कर रहे हैं, चूँकि चुनाव आ रहा है, वो दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको दिल्ली और देश की जनता माफ़ करने वाली नहीं है। सब जगह जहाँ जहाँ भी उनके प्रत्याशियों ने चुनाव लड़े, सब जगह जमानत जब्त हुई है, और अब की बार दिल्ली और देश में सब जगह आम आदमी पार्टियों की लोकसभा में जमानत जब्त हुई है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव शर्मा जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।